आपका? मेरा नाम लक्की है, मैं इतने 15 दिन से 20 दिन से काम कर रहा है मशीन से, ते मैं यहाँ पानी भरना आता जी, ते मैं इतने देख रहा, ते जितने दिन मैंने 15-20 दिन हो गए, गाइयाँ छाइया मर रही हैं, इन्हें वास्ते कोई चारा नहीं है, ते ना इन्हें वास्ते कोई पानी नहीं है, धुप्प बच्च वजी है, ना इन्हें वास्ते कोई छाव वास्ते प्रबंध है, ते इत्थे जिहड़ा कोई मैनेजर कोई भी है, ते ना वो मैं इत्थे कोई कदे भी देखा आंदा ना कुछ कर रहा है, ते मैनू 20 दिन हो गए, ये गाइयाँ इत्थे मर रही तड़फ रही ने, ते अज छप्पर गिर गया यहाँ इत्थे छावा वाला ही, इतने कोई छावा का प्रबंध नहीं है, ना पानी है इतने, ना चारा ही। यहाँ पे जी गौशाला खुली थी तकरीबन 1 साल हो गया, ना तो गांव के ऊपर छाई है, ना इनके पास घास है, पूरी गौशाला पे घूम के देख लो कहीं भी घास नहीं है, ठीक है। और जितने भी डंगर बीमार हुए हैं आज तक यहीं पे गांव वालों ने ही उनका उपचार करवाया है, कभी भी आता नहीं। आज पूरा ये देख लो 11 बजे का सेट गिरा हुआ है, ये यहाँ पे जो काम करते हैं वो बुलाने लेके आए कि शेड में एक आंटी दबी हुई थी, गौवे थी 50-60 गायें थी, वो सारी आगे गांव वालों ने निकाली और तकरीबन 11 बजे का उसको फ़ोन किया हुआ है कि यहाँ पे आ जाए, ये करके बात हुई है, गांव वालों ने ही आंटी को दवाई दिलवाई है, ये सारी गायें निकाली, अभी तक ना यहाँ पे कोई आया है, और फीस को ठीक करे यहाँ पे जो भी हालात है उस, ये पैसा लिया हुआ है, किस चीज़ का पैसा ले रखा, वो बोलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कोई पैसा ही नहीं मिला। गाँव तस्वीर में कि कोई भी गौशाला हमारे डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो गौशाला आयोग से रजिस्टर्ड है और ना ही वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, तो ना ही उसका हमारे को संज्ञान है। हमने पशु चिकित्सक से भी बात की है तो उन्होंने बताया कि वो कभी भी ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आते हैं, ऐसा ब्यौरा दिया गया उनके द्वारा। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो एनिमल बीमार है उनका ट्रीटमेंट करा दें और इन गौओं को जो गौशाला की मैनेजमेंट है उससे बात करते हुए इन एनिमल्स को कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाए।